शीतला सप्तमी की कथा। एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया और वे नाराज हो गईं और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर ही सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर ना जलने के बारे में पूछा, तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी और रंगपंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बसोड़ा पूजन किया। तभी से शीतला माता के पूजन की प्रथा चली आ रही है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें। अपने विचारों को शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।